तबीयत बिगड़ने पर दवा लेने के लिए युवक पहुंचा था। तो मेडिकल स्टोर पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का दरअसल ये मामला है। तबीयत बिगड़ने पर दवा लेने के लिए युवक पहुंचा, पोस्टमार्टम करवाया गया, परिजनों को शव सौंप दिया गया है। मामले में जांच पड़ताल भी जारी है। साथ ही मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी सामने आई है। आप देखेंगे इन तस्वीरों में किस तरह से युवक दवा लेने पहुंचता है, ये हाईलाइट भी हमने किया है, आप देख सकते हैं। दवाई लेने के लिए युवक पहुंचा मेडिकल स्टोर पर, पहले से ही तबीयत जाहिर खराब नजर आ रही है। आप देखेंगे काउंटर का सहारा लेकर युवक खड़ा के, और देखते ही देखते कुछ ही पलों में युवक की यहां पर मौत हो जाती है। तो अब इन तस्वीरों के आधार पर इतना साफ है कि जैसे ही युवक मेडिकल स्टोर पहुंचा, उससे अगले कुछ ही पलों में युवक की यहां पर मौत हो गई है। पोस्टमार्टम कराया गया, परिजनों को शव सौंप दिया गया है। मामले की जांच पड़ताल भी जारी है। तो फरीदाबाद का ये मामला, मेडिकल स्टोर पर एक युवक की मौत का ये मामला सामने आया है। स्टोर पर मेडिकल स्टोर पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज आप देख रहे हैं। तो दवा लेने के लिए पहुंचता है, और जब तक दवाई मेडिकल स्टोर संचालक देता या आगे भी बात होती, उससे पहले ही युवक की मौत हो जाती है। तो फरीदाबाद का ये मामला, तस्वीरें आपके सामने। जितेंद्र बेनीवाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर गए। जितेंद्र, तस्वीरें हम देख रहे हैं युवक की, मेडिकल स्टोर पर किस तरह से मौत हुई है, क्या खराब तबीयत के कारण है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आया है? बिल्कुल ज्योति, मैं आपको बता देता हूँ, ये संजय कलोनी मामला है जो 20 जनवरी के समय एक युवक जो अपनी तबीयत खराब होने के चलते ही जो मेडिकल स्टोर पे ORS की जो पैकेट लेने के लिए पहुंचा, तो स्टोर संचालक युवक उसको ORS के पैकेट ही दे रहा था। इतने में वो अचानक से वो अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा वो युवक, और इन युवक को स्टोर संचालक ने पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाया। युवक अचेत होकर जमीन पर गिर गया, तो उसी मौके पर उसकी मौत हो गई थी। घटना की जानकारी देते ही जो तुरंत जो संचालक है उसने 112 पर डायल करी थी, उसने मौके पर पुलिस वहां पर पहुंची है, और युवक के शव को लेकर कब्जे में पोस्टमार्टम को लेकर फरीदाबाद के बीके अस्पताल में भेज दिया गया है, जहां मृतक का पोस्टमार्टम करवाने के बाद सबको परिजन सौंपा गया था। तो कहीं ना कहीं यह एक हार्ट अटैक की बीमारी भी कहा जा सकता है। जी अच्छा, मृतक के परिजनों की ओर से क्या कुछ कहा गया है जितेंद्र इस मामले में? बिल्कुल, जो परिजनों की बात करें तो परिजनों की तरफ से ऐसा कोई अभी कुछ कहा नहीं गया था, ये तो ठीक था। वो कहीं ना कहीं ORS के जो घोल था उसके लिए वहां पर पहुंचा था, अचानक ही उसकी घबराहट के कारण जो मौत हुई। जी चलिए, बहुत शुक्रिया, ये पूरी जानकारी आपने दी। फरीदाबाद का मामला, और तबीयत खराब होने की वजह से ये युवक जिसको आप तस्वीरों में देख रहे हैं, दवा लेने पहुंचा था, दवा लेता या फिर बातचीत भी करता, उससे पहले ही अचेत होकर गिरता है, और मौके पर मौत हो जाती है।